महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव समय देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद से लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, इंडिया गठबंधन करने वाली है एक बड़ी संयुक्त रैली, बताएंगे आपको गठबंधन के मजबूती को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों इसी के साथ बीजेपी के कई सारे नेताओं ने बिना बीजेपी से पूछे हुए खुद नॉमिनेशन भर दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के साथ साथ पालघर से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में क्या नरेंद्र मोदी दाऊद इब्राहिम के दोस्त के लिए मांगेंगे वोट, बताएंगे बीजेपी के अपने ही सहयोगी ने भाजपा को आंखें और आईना दोनों दिखा दिया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके की अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में अजीत पवार फिर से शरद पवार को लेकर रोते हुए नजर आ रहे हैं, बताएंगे आपको शरद पवार ने निशाना साधते हुए कैसे नकल उतारा है। और झारखंड में सरकार बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोस्तों साथ साथ को बताएंगे कि ऐसे व्यक्ति अपना नॉमिनेशन नहीं भर पाए जिनके जीतने की सबसे बड़ी संभावनाएं थी, यानी विपक्ष को मिलेगा बड़ा फायदा और बीजेपी के सहयोगी ने मात्र 2 सीटें दिए जाने को लेकर किया है पुरजोर तरीके से विरोध। एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र परिवर्तन के लिए है तैयार और महागठबंधन बना सकती है सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 15 अक्टूबर को इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया गया था, तब से लेकर 15 दिन से लगातार इस तरीके की थ्योरियां चल रही है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, आपस में विवाद चल रहा है, नेता बातचीत नहीं कर रहे, कई जगह बगावत हो रही है। ये सारी खबरें झूठी साबित होने के बाद अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने अपनी एकता का अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन एकजुटता के साथ 4 नवंबर को मुंबई के अंदर एक बड़ी जनसभा आयोजित करने जा रहे हैं। दोस्तों जिसमें कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की ओर से सबसे बड़े महाविकास आघाड़ी गठबंधन के नेता शरद पवार मौजूद रहेंगे और उनके साथ में उद्धव ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री की उपस्थिति होने वाली है। आपको बता दें कि यहां से शक्ति प्रदर्शन होने वाला है मुंबई के अंदर। इस रैली को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। बीते दिन नामांकन के आखिरी दिन एक के बाद एक कई सारे प्रत्याशियों ने अपना बचा हुआ नॉमिनेशन भर दिया है। दोस्तों कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस के बीच में सीधी लड़ाई है, तो कई जगह भारतीय जनता पार्टी के बगावती नेता मैदान में उतरे हुए हैं, बताएंगे कौन कौन सी सीटों को लेकर आपसी मतभेद देखने को मिल रहा है। दोस्तों विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 288 सीटों के लिए कल नॉमिनेशन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब जो जानकारी है उसके अनुसार नामांकन के आखिरी ही दिन भारतीय जनता पार्टी के सुधाकर सिंगारे लातूर से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में चले गए। दोस्तों आपको बता दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत कर आए थे पूर्व सांसद सुधाकर सिंगारे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका अपमान किया गया तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में जाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि लातूर मराठवाड़ा का क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस पार्टी में इस ज्वाइनिंग के बाद और ज्यादा स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी होने वाली है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और पदाधिकारियों ने उनका सहयोग नहीं किया तो 2024 में वो चुनाव हार गए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हमको टिकट जरूर दिया, लेकिन भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता और पदाधिकारियों ने कोई सहयोग नहीं किया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का। सुधाकर सिंगारे ने कहा कि इसी वजह से उनकी हार हो गई है, हार की वजह पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताया गया लेकिन कभी सार्वजनिक रुख नहीं अपनाया गया। बीजेपी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना दुख जाहिर करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अमित देशमुख और धीरज देशमुख का नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ धोखा हुआ था, इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। पूरे लातूर क्षेत्र में इस समीकरण में जबरदस्त तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि चुनाव जीते हुए उनको पता है कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, कौन से बीजेपी के नेता है जो उनको वोट दिलवाते हैं और सभी लोगों को साथ में लेकर आ गए हैं। दोस्तों इसके बाद जो टोटल 6 विधानसभा है लातूर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, सारी की सारी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहां पर 6 में से 4 सीटें जीती थी और 2 पर बीजेपी आगे थी, तो बची हुई 2 सीटें भी दिलवाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी के तो सांसद। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से टिकट नहीं मिलने पर पालघर के विधायक श्रीनिवास वंगा ने नाराजगी व्यक्त की है। दोस्तों पुलिस उनको 15 घंटे से लगातार तलाश कर रही थी लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला है, ऐसा इसलिए क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। आपको बता दें कि वंगा उन विधायकों में से एक थे जिन्होंने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था और यहां तक कि उद्धव ठाकरे के सामने खड़े हो गए थे। उद्धव ठाकरे को छोड़ने के बाद उन्हें लगा कि एकनाथ शिंदे सम्मान करेंगे लेकिन एकनाथ शिंदे ने टिकट ही नहीं दिया। श्रीनिवास वंगा दिवंगत बीजेपी के नेता चिंतामन वंगा के बेटे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्हें अविभाजित शिवसेना ने उम्मीदवार के तौर पर पालघर एससी रिजर्व सीट से मैदान में उतारा था जहां से वो चुनाव भी जीत गए थे, लेकिन इस बार टिकट नहीं दिया गया है। उनकी जगह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने पूर्व सांसद राजेंद्र गावित को मैदान में उतारा है। 2 दिन पहले घोषित 20 उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम नहीं होने के बाद से वो गायब चल रहे हैं, लेकिन अब क्या पलटी मारेंगे ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग उनको पता है कि वर्तमान विधायक है और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे कहां कहां पर मजबूत है सब कुछ जानते हैं। दोस्तों अगर पलटी मारा उन्होंने और शिवसेना यूबीटी में गए तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए खासकर एकनाथ शिंदे के लिए सीट निकालना लगभग असंभव हो जाएगा। पिछले चुनाव में यहां पर श्रीनिवास वंगा को 68,000 के आसपास वोट मिले थे और उनके सामने जो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था उनको मात्र 27,000 के आसपास वोट मिले थे, यानी भारी अंतर से चुनाव उन्होंने जीता था। तो कह सकते हैं कि शिवसेना की यह सीट है, यहां पर उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट मैदान में उतरा हुआ है। दोस्तों तो स्थिति और टफ हो गई है एकनाथ शिंदे के लिए, जितेंद्र को मैदान में उतारा है यहां पर इंडिया अलायंस ने। दोस्तों शिवसेना यूबीटी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने 2021 के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक को लेकर जो जानकारी दी थी और
बताया था कि एनसीपी के नेता नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड के साथ में लिंक है, यानी दाऊद इब्राहिम के साथ में शरद पवार की पार्टी उस वक्त थी तब नवाब मलिक का लिंक बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अब जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस ने उस पार्टी के साथ अलायंस किया है एनसीपी अजीत पवार के साथ, जिसने एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के टिकट पर नवाब मलिक को मैदान में उतारा है दोस्तों। उसी नवाब मलिक को जिसे लेकर बीजेपी के नेता कहते थे कि उनका अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ में लिंक है, यानी दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ बीजेपी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी दाऊद इब्राहिम के दोस्त के प्रचार में आएंगे? ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा के लोग ही उन पर दाऊद इब्राहिम से लिंक का आरोप लगा रहे थे, तो क्या अब भाजपा के लोग अगर प्रचार करेंगे? बड़ा सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी के लोग जो बयान देते हैं उसमें खुद फंस जाते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका उस वक्त अजीत पवार ने दिया जब उन्होंने एबी फॉर्म नवाब मलिक को दे दिया है, यानी नवाब मलिक को चुनाव लड़ने के लिए मुंबई की शिवाजी नगर मान खुर्द निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतार दिया है। एबी फॉर्म देने का मतलब ही कि पार्टी के कैंडिडेट बना दिए गए हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वो नवाब मलिक का विरोध करेगी और एनसीपी अजीत पवार गुट से कहा जाएगा कि वो नवाब मलिक को मैदान में ना उतारे, लेकिन एनसीपी अजीत पवार गुट ने बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया, नवाब मलिक को एबी फॉर्म दिखा दिया है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा को अपने ही गठबंधन सहयोगी ने तगड़ा झटका दिया है। और उससे बड़ी बात तो ये भी है कि अजीत पवार ने जिसके साथ गठबंधन कर रखा है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ में, उन्होंने बैठकर फैसला लिया था कि इस सीट पर महायुति शिवसेना का कैंडिडेट मैदान में उतारेगी, यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी का नेता यहां से चुनावी मैदान में उतरेगा और टिकट भी तय कर दिया गया था दोस्तों। महायुति ने इस सीट पर सुरेश कृष्ण पाटिल को मैदान में उतार रखा है, यानी अपना एक ऑफिशियल कैंडिडेट यहां पर मैदान में महायुति ने उतार रखा है। इसके बावजूद नवाब मलिक एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि आपस में किस तरीके की गुटबाजी चल रही है दोस्तों। बैठकर एक उम्मीदवार भी नहीं तय कर पा रहे और नवाब मलिक को लेकर आपस में चल रहे विवाद के बाद खुलकर एनसीपी ने बीजेपी का विरोध कर दिया है। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ये वो सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी कई बार चुनाव जीते हुए हैं, इस बार भी मैदान में उतरे हुए हैं। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आगे आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे अजीत पवार को बारामती की सीट पर भी चुनाव लड़ने में दिक्कत आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरद पवार ने जिम्मेदारी संभाल रखी है कि किसी भी कीमत पर भतीजे अजीत पवार को चुनाव हराना है। यही बड़ा कारण दोस्तों कि सुप्रिया सुले जो बारामती की सांसद भी है, उन्होंने डेरा डाला हुआ है पूरे क्षेत्र में एनसीपी का झंडा गाड़ने के लिए, एनसीपी एसपी का झंडा गाड़ने के लिए दिन रात काम कर रही है। उनसे जब बारामती के विधानसभा क्षेत्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बारामती के अंदर कोई भी पवार वर्सेस पवार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई एनसीपी वर्सेस बीजेपी के अदृश्य पावर की है। यानी अजीत पवार को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बताया है और असली एनसीपी शरद पवार की एनसीपी बताते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्सेस एनसीपी का मुकाबला है और जीत यहां पर एनसीपी की होगी, क्योंकि बारामती हमेशा एनसीपी के साथ खड़ा रहा है। आपकी क्या राय है लेकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी महागठबंधन विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आपस में कई तनातनी देखने को मिल रही है, लेकिन एक अद्भुत लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वाले अलायंस में चल रहा है महायुति में। आलम यह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले महागठबंधन द्वारा एक व्यक्ति को नामित किया गया, साइना एनसी को मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़वाया गया, लेकिन बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी अतुल शाह ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और इस सीट को म्यूजिकल चेयर बता दिया। उन्होंने कहा कि क्या ये म्यूजिकल चेयर है कि जिसका मन करता है आकर बैठ जाता है, यानी बीजेपी के साथ अलायंस हो रखा है एकनाथ शिंदे की पार्टी का, तो अपने हिसाब से उन्होंने उम्मीदवार उतारा है। साइना एनसी जो बीजेपी की प्रवक्ता थी उनको शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में लाकर अब उम्मीदवार बनाया गया है दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अतुल शाह मुंबा देवी से पूर्व पार्षद भी है, उन्होंने नामांकन से पहले भारतीय जनता पार्टी से सत्ताधारी शिवसेना में शामिल हुई साइना एनसी की आलोचना करते हुए सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनका अपमान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को पहले एकनाथ शिंदे की पार्टी में भेजती है, उसके बाद ये सीट जो बीजेपी को मिलनी चाहिए वो एकनाथ शिंदे को मिल जाता है और एकनाथ शिंदे यहां से बाहर के एक उम्मीदवार को मैदान में उतार देते हैं। यानी स्थानीय नेताओं की कोई चिंता कोई खोज खबर नहीं ली जा रही है, तो निर्दलीय मैदान में उतर भी गए हैं दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ने मिलकर पूरा ब्लंडर कर रखा है इस चुनाव के अंदर। साथ साथ कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार को वायनाड के हिंजा पूजा पहुंची, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए वायनाड के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहां के लोगों का इतिहास बहुत समृद्ध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है लोगों ने। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के 10 सालों की नीति के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर आप लोगों की आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने लोगों से वोट की अपील की है। साथ साथ झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, कहा देश में घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है केंद्र सरकार, केंद्र जाति और पंथ के नाम पर और धर्म के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का केवल नाम और काम दोनों एक ही है, जाति पंथ और धर्म के नाम पर समाज में बंटवारे खड़े करो। उन्होंने दावा किया 2019 में उनकी सरकार सत्ता में आई तब भी बीजेपी ने उनके खिलाफ साजिश रची थी। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जो बताएगा, क्योंकि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि पता है कि मैया समान योजना बीजेपी से चुनाव लेकर काफी दूर चली गई है और भारतीय जनता पार्टी अब महिलाओं को मनाने के लिए और साथ में लाने के लिए दरवाजे खटखटा रहे हैं दोस्तों। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि महिलाओं को क्योंकि सम्मान के पैसे मिल रहे हैं तो भाजपा के साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं है, बीजेपी को सपोर्ट करने का कोई औचित्य नहीं बचता है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि अब संथाल परगना क्षेत्र, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी तमाम कोशिश के बाद चुनाव में शिकस्त का सामना किया था, अब वहां पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी विरोध में लहर चल रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से इस क्षेत्र में मजबूत रही है, तो घुसपैठी का मुद्दा यहां पर पुश किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन लग नहीं रहा कि लोगों के बीच में यह मामला पहुंचेगा। साथ साथ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केवल आश्वासन देते हैं और लोगों को बाद में ठग लेते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कई सारे नेताओं ने इसकी शिकायत की थी, राष्ट्रीय समाज पार्टी की ओर से भी यह बातें कही गई थी और अब महायुति
भारतीय गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले अंबेडकरवादी विचारधारा के समर्थक रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास अठावले ने बातें कही है। दोस्तों, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनको आश्वासन दिया था कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आर को यानी रामदास अठावले की पार्टी को समर्थन दिया जाएगा और केवल दो सीटें दी गई है, एक धारावी की सीट मिली है और दूसरी कलीना नाम की सीट दी गई है। दोस्तों, हालांकि वो मांग कर रहे थे कि उनको कम से कम 10 से 12 सीटें मिलनी चाहिए और वैसे भी मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री है तो उनकी पार्टी का इतना तो सम्मान होना चाहिए। 288 सीटों में से कम 10-12 सीटें दे देते तो माना जाता कि एक सम्मानजनक बीजेपी ने सीटें दी है और वैसे भी दलित समाज से आते हैं तो उनकी कुछ अपनी भी पकड़ होगी वोटों पर और शायद बीजेपी को इससे फायदा भी पहुंच सकता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि भाजपा के नेता लगभग सारे राज्यों में करते आए हैं, केवल वोट लेते हैं और उन पार्टियों को आगे नहीं बढ़ने देते जो उनका समर्थन कर रहे हैं और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मात्र 2 सीटें दी गई है। ये भी जो 2 सीटें दी गई है काफी टफ सीटें उनके लिए। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के रामदास पाटिल ने हिंगोली विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला लिया है। 29 पार्टियों की क्षेत्रीय कार्यकारिणी के रिक्त सदस्य पद सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा अलविदा बाय बाय कह दिया। हिंगोली और नांदेड़ जिले के नगर आयुक्त के रूप में काम कर चुके हैं। सुमा थंकर ने लोगों की समस्याओं को करीब से देखा है लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान नहीं दिया तो क्या करेंगे, अकेले से निर्दलीय मैदान में उतर गए। दोस्तों, रामदास पाटिल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिस सीट से वो मैदान में उतरे हैं हिंगोली विधानसभा क्षेत्र से। यहां पर पिछले चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा था और उसको 97,000 के आसपास वोट मिले थे और अगर बगावत करके मैदान में जो उतर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर ये सही से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों तो अच्छा खासा वोट काटेंगे और कहीं ना कहीं चतुर्कोणीय मुकाबला हो जाएगा तो फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा सीट पर। साथ साथ राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को फ्री बिजली देने की बात कहकर किसानों के मीटर लगाए जा रहे हैं, बाद में ये छूट वापस ले ली जाएगी। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि सरकार चाहती है कि लोग बंधुआ मजदूर बनकर रह जाए, यह एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये सरकार देश को श्रमिकों का देश बनाना चाहती है क्योंकि उद्योगों में श्रमिकों की भारी कमी है। कुल मिलाकर दोस्तों, यानी लेबर बनाने का काम किया जा रहा है। किसानी बीजेपी के लोगों को पच नहीं रहा और इसीलिए किसानों को कहा जा रहा है कि आपको फ्री में हम लोग बिजली देंगे लेकिन आप लोग मीटर लगा लीजिए, लेकिन बाद में पता चला कि मीटर के पैसे वसूलने लगे। शासक बीजेपी ने तोपचांची के जिला परिषद सदस्य विकास महतो को टुंडी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। विकास महतो को प्रत्याशी बनाने की घोषणा होते ही बीजेपी के कई नेताओं ने बगावत की है। झारखंड के अंदर आजसू और जेडीयू के नेताओं ने भी बगावत का झंडा उठा लिया है। दोस्तों, प्रत्याशी कब बीजेपी में शामिल हुए हैं ये किसी को नहीं पता चला है, यानी बाहर से नेताओं को बुलाकर अचानक से टिकट दे दिया गया और जो स्थानीय नेता कार्यकर्ता थे उनका अपमान कर दिया गया। राम प्रसाद ने कहा कि विकास महतो को टुंडी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है। उधर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महादेव कुंभकार ने भी बगावत का ऐलान करते हुए कहा कि वो नॉमिनेशन भरेंगे। मंगलवार को नामांकन भरते हुए उन्होंने बगावत की जानकारी दे दी है। दोस्तों, इसी तरीके से जेडीयू के दीप नारायण सिंह और आजसू के नेता और जिला परिषद के सदस्य वाणी देवी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि बीजेपी का बागी नेता चुनावी मैदान में उतरा है, पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन के बड़े बड़े नेता मैदान में उतरकर अपने ही सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, यानी एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करना चाहिए था, वोट जुटाने चाहिए था, लेकिन सारे के सारे खुद अकेले चुनाव लड़ने लगे हैं। साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी प्रकार का सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने इसके संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए मंगलवार को रिपोर्ट दी और बताया है कि 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। इसके साथ ही राज्य के अंदर आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव के अंदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट यानी आरपीआई एक्ट 1951 सेक्शन 126 के तहत यह निर्देश है कि कोई भी संस्थान व्यक्ति चुनाव के परिणाम से जुड़ा एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं कर सकता। 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक के लिए कोई एग्जिट पोल नहीं होगा। एक बार फिर सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से साफ स्पष्ट संकेत दे दिए गए। साथ साथ झारखंड में हेमंत सोरेन शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत पहुंच गई है। आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण देने का यह पूरा मामला है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बगावत और जुबानी जंग दोनों का दौर जारी है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता इरफान अंसारी बुरी तरीके से फंस गए हैं। उन्होंने पार्टी की महिला विंग की प्रमुख अलका लांबा के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर दी है। दोस्तों, सीता सोरेन ने इरफान पर कथित अपमानजनक कमेंट करने का आरोप लगाए, इसे लेकर सीता ऑन कैमरा रोने लगी है और कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर अब कार्रवाई की बातें कही है। दोस्तों, लेकिन एक और जानकारी जो सामने आ रही है उसके अनुसार, क्योंकि इरफान अंसारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सूट करते हैं तो फिर उन्होंने पूरे मामले पर विवादित नेताओं को आगे कर दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उप प्रभारी हेमंत शर्मा की ओर से ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इरफान अंसारी के नाम पर केवल ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए दिए जा रहे हैं। पूरे मामले पर अब इंडिया अलायंस से शिकायत दर्ज करवाई है। देखते हैं शिकायत के बाद किस तरीके कार्रवाई की जाती है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल यादव ने कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री को सबक सिखाते हुए उनके घर के बाहर जाकर बीजेपी का नेता चोर है, बेईमान है, ये लिख दिया था। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के नेता और मंत्री दिनेश सिंह गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल यादव ने विरोध जताया और उनके बंगले के बाहर जाकर चोर और बेईमान लिख दिया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी शेयर किया गया। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करते उनको जेल भेज दिया गया। अब अनिल यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है, कुछ दिन के बाद ही जमानत से बाहर आ गए हैं, लेकिन विरोध जताने को लेकर उन्होंने बातें स्पष्ट कर दी है कि अगर उनके नेता के खिलाफ कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेगा तो इसी तरीके की चीजें की जाएगी। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची की घोषणा कर दी गई है। इस सूची में पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। मुंबई महानगर क्षेत्र से मीरा भयंदर की टिकट बीजेपी के खाते में चली गई है। दोस्तों, पार्टी ने
यहां से नरेंद्र मेहता को उम्मीदवार बनाया है। पहले चर्चा थे कि मीरा भयंदर की सीट से मेयर गीता जैन को टिकट दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना में बगावत के बाद जिन विधायकों ने उनका समर्थन किया था उन्हें चुनने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे ने ली, उनका टिकट नहीं कटेगा। लेकिन अब शिंदे समर्थक मीरा भयंदर की मौजूदा विधायक गीता जैन का टिकट काट दिया गया है। दोस्तों इससे नाराज होकर गीता जैन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। इससे पहले पालघर में मौजूदा विधायक श्रीनिवास वंगा ने भी टिकट कटने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरने का फैसला लिया था। तो एक के बाद एक कई सारी सीटों पर बगावत देखने को मिल रही है। साथ साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को थोड़ी और मजबूती मिली है। कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। सीलमपुर से 5 बार के कांग्रेस पार्टी के विधायक चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मतीन अहमद की पुत्रवधू शगुफ्ता चौधरी जुबैर को मौजूदा कांग्रेस के पार्षद के तौर पर आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया गया है। दोस्तों चौधरी मतीन अहमद 1993 से लेकर 2015 तक सीलमपुर के विधायक रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते रहे। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए एक सनसनीखेज बड़ा दावा कर दिया है। दोस्तों ये 2 दिन पहले एनडीए की बैठक बुलाई थी नीतीश कुमार ने, फिर लगा था कि एनडीए में सब कुछ सही है, लेकिन अखिलेश यादव एक बड़ा दावा करते हुए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अंदर ज्यादा दिन बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, वो जरूर इंडिया अलायंस के साथ में आएंगे। और वैसे भी इंडिया अलायंस बनाए तो उन्होंने नहीं था। अखिलेश यादव की ओर से जो बातें कही गई है दोस्तों की सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी के लीडर से बात हो गई है और नीतीश कुमार भी हमारे साथ में आएंगे। इन बातों से एक बात तो समझ में आ गई है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक बड़े विपक्षी गठबंधन को लेकर लगातार कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, क्या नीतीश कुमार की पलटी होने वाली है? साथ साथ दोस्तों झारखंड के असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर अब क्योंकि नॉमिनेशन भरे जा चुके हैं, अब डेट भी बीत चुका है, तो अब झारखंड के अंदर असेंबली इलेक्शन के मद्देनजर फॉर्मर मेयर हजारीबाग के भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अंजलि कुमारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट को जिताने की उनकी जिम्मेदारी रहेगी। साथ साथ दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान ने भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जुबैर और शगुफ्ता अहमद को आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया था। माना जाता है कि जुबैर अहमद को सीलमपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। इससे नाराज होकर अब अब्दुल रहमान ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी जो स्ट्रेटजी अपना रही थी कांग्रेस पार्टी ने उसी स्ट्रेटजी पर उनको मात देने की कोशिश की है। जो भी जानकारी इस क्षेत्र से जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लातूर के अंदर जनसभा को संबोधित की है। हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला है, उनको सुनने के लिए लोगों में एक जबरदस्त तरीके की एनर्जी भी देखने को मिल रही है। साफ समझ में आ रहा है कि लातूर लोकसभा क्षेत्र में जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने भी पलटी मार दी है, तो अब कांग्रेस पार्टी सारी की सारी 6 की 6 सीटें जीत सकती है विधानसभा की। साथ साथ दोस्तों समाजवादी पार्टी की पूर्व नेत्री अभी भारतीय जनता पार्टी में जाकर महिला आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई। अपर्णा यादव की ओर से एपी न्यूज के कार्यक्रम में कहा गया कि अगर नेताजी जिंदा होते यानी मुलायम सिंह यादव होते तो वो भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी का विलय करवा देते। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की विचारधारा एकदम डायमेट्रिकली अपोजिट है, लेकिन इसके बावजूद ये दावा कर रही है अपर्णा यादव की भारतीय जनता पार्टी और एसपी का विलय हो जाता अगर मुलायम सिंह यादव जिंदा होते। तो क्या आपको लगता है कि ये एकदम बेफिजूल की बात है, इसमें कुछ भी दम नहीं है और केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को ये बताने के लिए कि क्योंकि वो बीजेपी में आ गई है तो भारतीय जनता पार्टी वाली बातें बोल रही है, इसलिए बयान दिया गया है? आपको क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इस बयान से आप क्या समझते हैं? दोस्तों साथ साथ मध्य प्रदेश के सागर के अंदर खाद को लेकर आपसी युद्ध देखने को मिला। खाद प्राप्त करने के लिए लगातार लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि अब सोइंग का सीजन आ चुका है दोस्तों, क्योंकि बीज रोपण शुरू होने वाला है, गेहूं की फसल लगने वाली है, तो फिर खाद की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में अब कई जगह पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, कुर्सी फेंका फेंकी भी हुई है। कांग्रेस पार्टी के पूरे एमएलए को आकर शांति स्थापित करनी पड़ी है। दोस्तों मध्य प्रदेश में भाजपा की 24-25 साल से सरकार चल रही है और स्थिति आप लोग समझ सकते हैं खाद को लेकर क्या है। सांसद प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ अपने गठबंधन के साथी दाऊद इब्राहिम के सहयोगी नवाब मलिक के लिए प्रचार करेंगे, क्या ये सवाल सोशल मीडिया पर एक हैंडल से पूछा गया है? दोस्तों आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन पीडीए की रणनीति को उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें जिताने का काम किया। बीजेपी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी क्यों 6 राउंड तक अपना चुनाव वाराणसी के अंदर हार रहे थे, क्यों पिछड़ रहे थे, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी सबक है। साथ साथ दोस्तों कॉपी करके पास होने में क्या मजा है, पढ़ो और पास करो, सर्टिफिकेट दिखाओ और उम्मीद करो कि आप एक नेता हो। अजित पवार को सुप्रिया सुले की ओर से ये हिदायत दी गई है। दोस्तों अजित पवार हमेशा से जो राजनीति करते आए हैं केवल शरद पवार के छत्र छाया में करते आए हैं, इस बार उन्होंने अलग से चुनाव लड़ा था, लोकसभा का पता चल गया कि कितने पानी में है, केवल एक सीट जीत पाए वो भी जैसे तैसे। अब बारामती गए हैं अपने आप को साबित करने के लिए, तो शरद पवार भी वहीं पर बैठे हुए हैं, देखते हैं कितना साबित कर पाते हैं या जनता ये साबित करके भेजेगी कि अजित पवार केवल एक मोहरा है। उनको ताकत अगर किसी ने दे रखी तो शरद पवार ने, शरद पवार की ताकत हटते ही उनकी कोई वैल्यू नहीं है राजनीति में। साथ साथ दोस्तों सचिन पायलट वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के प्रचार के लिए पहुंचे थे, राहुल गांधी भी प्रचार में एक दिन पहले आए थे और उसके बाद अब उनके और भी कार्यक्रम हो सकते हैं। वायनाड में एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला है दोस्तों, सभी के सभी लोग कांग्रेस पार्टी के सारे नेता वायनाड का दौरा भी कर रहे हैं। साथ साथ दक्षिण सोलापुर के अंदर एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, यहां पर दिलीप माने कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एबी फॉर्म नहीं दिया, इसके चलते देखा गया कि दिलीप माने के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए, कार्यकर्ताओं को गुस्से में रैली में अपने साथ लाए कांग्रेस के झंडे टोपियां और लोगों को जमीन पर फेंकते हुए देखा गया, सारी प्रचार सामग्री को बाहर फेंक दिया गया। दोस्तों दरअसल अमर पाटिल को दक्षिण सोलापुर विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना ठाकरे समूह द्वारा नामित किया गया था, इसके बाद कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नाराजगी व्यक्त करने लगे। कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि दिलीप माने
माने को उम्मीदवार बनाया जाए। इसके बाद सांसद प्रणीति शिंदे ने भी वादा किया था कि दिलीप माने को कांग्रेस का नामांकन दिलवाया जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होने के बाद नाराजगी व्यक्त की गई है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर, जैसे वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत